हाय एवरीवन, आज बनाएंगे नाश्ते की बहुत ही आसान और चटपटी चीज़ी पराठा की रेसिपी, जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डो तैयार करना है। एक बॉल लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा। 2 कप तकरीबन हम इसमें डालेंगे। आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इससे थोड़ा सा जो फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इससे जो हमारा डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें मिला रही हूँ और इन्हें हाथों से अच्छे से हम गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करके अच्छा सा डो सॉफ्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डो अच्छे से बना लिया है। अब हम इन्हें कवर करके साइड में रख देते हैं। आइए हम स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 8 से 10 आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया है। जब आलू गर्म हो तो हम इनके छिलके निकाल देंगे। जब आलू गर्म होता है तो वो बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। तो सभी आलूओं के छिलके को हम निकाल कर एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हें हम मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं या फॉक की मदद से, किसी भी चीज़ से आपको मैश कर लेना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 8 से 10 हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियां, गार्लिक क्लव्स, इनको हम हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा पेस्ट है, इससे जो तीखे की बाइट होगी बहुत ही ज़बरदस्त आता फ्लेवर उसमें खाने में। पराठे को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1/2 कप हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नमक इसी के साथ हम इसमें मिला रहे हैं 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं आप। डो में भी हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। डो भी हमारा तैयार हो चुका है और स्टफिंग भी तैयार है। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए मैंने यहाँ पर 4 डो तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आटे को स्प्रिंकल करेंगे और इनको हम पूरी की शेप में बेल लेंगे। छोटी साइज़ में हमें बेलना है। आलू की स्टफिंग करेंगे हम इसमें। आलू रख कर हमें अच्छे से फ्लैट कर लेना है और इनको पैक कर देंगे चारों तरफ से। बहुत ही ध्यान से इन्हें पैक करना है, वरना अक्सर करके ऐसा होता है कि पराठा जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो तेल में खुल जाता है और फिर उसमें ऑयल अंदर चला जाता है, तेल अंदर चला जाता है, बहुत ज़्यादा ही सोक करता है। तो इनको हम हल्के हाथों से दोनों साइड से पलट कर बेल लेंगे। मीडियम साइज़ में आप बेल सकते हैं या फिर आप बड़ी साइज़ रखना चाहते हैं तो बड़ी साइज़ में बेल लीजिए। मैं एक चपाती के मीडियम साइज़ में पराठा तैयार कर ली हूँ और ये थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ ताकि जब ये फ्राई हो जाए ना तो हरे धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर हैवी बॉटम तवा ले लिया है। आप चाहे कोई भी नॉर्मल तवे पर, नॉन स्टिक तवे पर भी आप इन्हें अच्छे से सेक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। हैवी बॉटम तवा में बहुत ही क्रिस्पी बनता है और ये चिपकता भी नहीं है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड अच्छे से ऑयल लगाएंगे। एक साइड अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है तो हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे और दोनों साइड हमें एक लाइट गोल्डन होने के बाद पराठे को निकाल लेना है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। सभी आलू के पराठों को हम इस तरीके से सेक लेंगे और इसके ऊपर हम चीज़ की गार्निशिंग करेंगे। गर्म पराठे पर चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और इस तरीके से आप चटनी केचप के साथ सर्व करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।